इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवकों को पुलिस ने भोपाल से पकड़ लिया है। आपको बता दें कि युवकों ने युवती से छेड़छाड़ करने के साथ ही मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि भवरकुआ थाना क्षेत्र में हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के साथ स्कॉर्पियो में कुछ युवकों के द्वारा देर रात छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ज्योति ने पूरे मामले में थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तमाम CCTV फुटेजेस और सबूतों के आधार पर जाँच पड़ताल करते हुए 3 टीमें गठित की थी, जिनमें से एक टीम गुना तो वहीं दूसरी टीम भोपाल रवाना करते हुए इंदौर में भी छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले युवकों की तलाश की जा रही थी। भोपाल से पुलिस के द्वारा कुछ बदमाशों को इंदौर पहुंचाया गया, जहां कुछ बदमाशों पर कई अपराध भी दर्ज है, तो वहीं 3 बदमाश जिला बदर की अवधि में भी जिला बदर की सजा काट रहे हैं। पकड़ाए बदमाशों को पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाकर मौका मुआयना भी कराया। मनजीत रघुवंशी, संदीप सोलंकी, रवि नरवरिया, संचय रघुवंशी, सौरभ रघुवंशी, शुभम शर्मा नामक बदमाशों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त उन्होंने डायल 100 पर ही फोन लगाया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया था। फिलहाल पकड़ाए बदमाशों से पुलिस कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। अभी जो 7 तारीख की मध्यरात्रि में जो एक घटना हुई थी, इसमें मारपीट और छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आई थी। इसको मामला पंजीबद्ध करने के उपरांत जो गाड़ी नंबर हमें स्कॉर्पियो की मिली थी, उसको आइडेंटिफाई करते हुए आरोपियों को चिन्हित किया गया, जिसमें से कुल 6 आरोपी इस गाड़ी में थे, जिसमें से मनजीत, संदीप, रवि, संजय और सौरभ, शुभम, इन आरोपियों के विरुद्ध जो है मनजीत के खिलाफ 18 अपराध हैं, संदीप के खिलाफ 21 अपराध, रवि के खिलाफ 10, संजय के खिलाफ 6, सौरभ के खिलाफ 18 और शुभम के खिलाफ 10, जिनमें से मनजीत, संदीप और रवि ये तीनों गुना जिले से वर्तमान में जिला बदर हैं और ये आदतन अपराधी हैं और इनको जो है हमने जो है मेहनत करके टीम ने हमारी इसको भोपाल और इंदौर से पकड़ा है। अब इनको जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, एक बार इनको घटनास्थल पे सीन रिक्रिएट कराने के लिए भी एक बार ले जाया जाएगा। सर, ऐसा बताया जाए, जिस तरह से घटनाक्रम बताया जा रहा है कि देर रात लड़की के साथ अभद्रता की, थोड़ा कुछ घटनाक्रम घटित हुआ? घटनाक्रम में मारपीट और धक्का मुक्की का मामला ये था और उसके बाद जो है मामला प्रकाश में आने के बाद इसको हमने गंभीरता से लिया और उसके बाद जो है आरोपियों की धरपकड़ चालू की और चंद घंटों में आरोपियों को पकड़ के जो है हमने थाने ले आए। तो पुलिसकर्मियों के द्वारा फोन नहीं उठाने की बात सामने आ रही थी, इस पूरे मामले में कुछ बात सामने आई है? डायल 100 के का जो पॉइंट एक चला था, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही हमें नहीं दिखी है, क्योंकि डायल 100 का जो पॉइंट है वो भोपाल से कनेक्ट होता है, वो भोपाल से भी हमने वेरीफाई कर लिया कि जब उनका फरियादी का जब फोन डायल 100 गया था और इसको जो है डाइवर्ट यहाँ पे लोकल FRB को किया गया था, तो FRB जो है अपने तयशुदा समय पे वहाँ पे पहुँच गई थी। उसके बाद उनने जब 7 से 8 बार अपने फरियादी को फोन लगाने का प्रयास किया तो फरियादी ने फोन नहीं उठाया था, चूंकि उनका फोन साइलेंट हो गया था, और जब उन्होंने फोन उठाया तो उस समय फरियादी द्वारा FRB को बताया गया कि वो ऑलरेडी थाने में। नहीं, आरोपियों का तो अभी चूंकि अभी माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा और अभी पूछताछ अभी कुछ चल भी रही है, जिसमें ये तो ऐसा ये इंस्टेंट उसमें समय का था और चूंकि आरोपी नशे में थे तो ये इस प्रकार जो है घटना उन्होंने कार्य बताया जा रहा है कि भोपाल या रिवर ले आने वाले थे। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं आया, वो केवल मारपीट और धक्का मुक्की और जो छेड़छाड़ की जो घटना थी वो कार्य करके फिर वहां से भाग गए थे।